ये LG की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, ये देखिए। तो अपन इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का डेमो देने वाला हूँ। नहीं, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इस तरीके से आपको इसको खोलना है, एक एक करके आपको इसमें कपड़े डालने हैं। हाँ, कपड़े डालने के बाद इसमें आपको इस तरीके से लगा देना है। कपड़े में आपको ये देख लेना है कि उसमें कोई सिक्का कुछ ना रहे। उसके बाद आप सिंपली इसको लगा देना। इसको लगाने के बाद आप इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद इसमें रहेगा आपका सरफ सेक्शन। सरप के बाद ये आता है आपका लिक्विड सेक्शन, ठीक है। फिर इसको सिंपली इस तरीके से लगा देंगे। इसमें पुश का जो बटन है वो क्या है? वो पुश का इसलिए है, जैसे इसको पुश कीजिए, आपको ऐसे पुश किया, एक सेकेंड, आपके इसको पुश करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब सफाई के लिए, ठीक है। बाकी सिंपली लग जाता है, ये पूरा क्लीनिंग के लिए रहता है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया अपन ने, ऐसे खोल के इसमें कपड़े डाले। कपड़े डालने के बाद इसमें सरफ डाला या लिक्विड डाला इन सेक्शनों में, ये सरफ। कपड़े डालने के बाद सरफ डाला। सरफ डालने के बाद आपको यहाँ से प्रोग्राम करना है, पावर, फिर आना है प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम के बाद पहला आपका आता है कॉटन, ठीक है। कॉटन में आपके होंगे नॉर्मल कपड़े, जो डेली वॉश होता है वो आपका कॉटन पे रहेगा। कॉटन के बाद आपका आएगा कॉटन प्लस। कॉटन प्लस में क्या होगा, ये कॉटन ही होता है, लेकिन कॉटन में कुछ जो कपड़े ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, वो आपका इसमें आएंगे। ये कॉटन प्लस थोड़ा उससे रफ टफ है, रफ एंड टफ टाइप का, ठीक है। इसके बाद आया टर्बो वॉश। टर्बो वॉश का मतलब आ गया आपका कि आप थोड़ी बेहतर धुलाई चाहते हैं, ठीक है। 59 मिनट में ये आपके कपड़े धो देगा, ये थोड़ा फास्ट भी है, ठीक है। इसके बाद आता है मिक्स, मिक्सेड फैब्रिक। इसमें आप मिक्स कर सकते हैं कपड़ों को, मिक्स फैब्रिक को यूज कर, मतलब वॉश करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इजी केयर, इजी केयर में क्या होता है, इजी केयर का मतलब हो गया लाइट कपड़े, आपके जो छोटे कपड़े हैं वो आ जाएंगे। हाँ, वार्म कपड़े। ये आ गया आपका एलर्जी केयर। एलर्जी केयर का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, तो उसके कपड़ों में जो बैक्टीरिया होता है, जैसे वो खांसता है तो बैक्टीरिया आ जाता है, तो वो आप इससे बैक्टीरिया को क्या होगा कि ये गर्म पानी करके जो स्टीम क्लीन है, स्टीम क्लीन, स्टीम से उसके बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, फिर वॉश करेगा ऐसी। और इसके बाद आता है बेबी स्टीम केयर, ये बच्चों के कपड़ों के लिए, बच्चे खेलते हैं तो उनके कपड़ों में बैक्टीरिया होता है इसलिए। इसके बाद इस साइड आना है आपको तो डेलिकेट। डेलिकेट के बाद आता है आपका हार्ड वूल, ठीक है, ऊनी कपड़े वगैरह, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्पोर्ट वेयर, जो चिकना कपड़ा होता है स्पोर्ट का इसलिए। इसके बाद आता है आपका स्पीड 40। स्पीड 40 हो गया आपका, नहीं, स्पीड 40 मतलब इसका फास्ट मोड है, इसे क्विक क्विक भी कहते हैं। हाँ, जल्दी। तो इसकी लिमिट है, इसमें सिर्फ 2 kg कपड़े, मतलब 4 से 5 कपड़े, अगर कम कपड़े हैं तो आप क्विक 40 पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आए डोबेट, जो आप चादरें होती हैं, ब्लैंकेट होती हैं, वो आप डोबेट पे करेंगे। टब क्लीन, टब क्लीन का मतलब क्या हो गया, टब क्लीन ये इसके लिए हो गया जैसे मशीन की सर्विसिंग। इसमें 3 महीने बाद आपको एक बार मशीन में पाउडर डालना है, इस सेक्शन, इस सेक्शन, दोनों सेक्शन। अब आते हैं यहाँ पर, स्पिन कर दिया। स्पिन के बाद आता है, जैसे मान लीजिए सर, मैम आपने ये कॉटन लिया, कॉटन में 40 डिग्री पानी को गर्म कर रहा है। अब जी आपका चल रही है गर्मियां, तो गर्मियों में ये 40 डिग्री पहले से गर्म कर रहा है और टंकी का पानी ऑलरेडी गर्म है, तो ये पानी और ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से, हाँ, कोल्ड कर देंगे। कोल्ड मतलब कि टंकी का जो पानी ऑलरेडी गर्म आ रहा है, उसी से कपड़े वॉश हो जाएंगे, ये मशीन अपना हीटर नहीं चलाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है, अब जो कॉटन है तो कॉटन पे आप इसको कर सकते हैं टर्बो वॉश, ठीक है। यहाँ से आप टर्बो वॉश भी डाल सकते हैं। टर्बो वॉश के बाद आता है आपका रिंग्स, रिंग्स प्लस। रिंग्स प्लस ये किस लिए हो गया, अब जैसे मान लीजिए मैम आपने सरफ ज्यादा डाल दिया, आपको दिख रहा है सरफ काफी ज्यादा है, तो आप समझेंगे कि इसके जो स्पिन के बाद है सरफ नहीं निकलेगा, तो आप इसको रिंग्स प्लस कर देंगे, तो ये 2 बार रिंग्स करेगा, जिससे कि आपका सरफ अच्छे से निकल जाए। इसके बाद आता है एंटाइजर। एंटाइजर के का मतलब ये हो गया कि एंटाइजर जो आपके कपड़े रहते हैं, जो बाइट्स कपड़े, उनके लिए रहेगा ये ज्यादातर, ठीक है। उसी में आता है आपका प्री वॉश। इस तरीके से आप प्रेस करके रखेंगे तो ये प्री वॉश पे चला गया। प्री वॉश का मतलब ये हो गया कि प्री वॉश में आपके सोक करके कपड़ा धोएगा, जो गला कर धोते हैं ना वो, ठीक है। ये डेली एंड है, और डेली एंड के नीचे आ रहा है आपका वाईफाई, और ये आपका एड आइटम एंड रिमोट स्टार्ट। अब ये कैसे यूज करना है, ये इसको स्मार्ट थिंकिंग से कनेक्ट करने के लिए पहले तो आपको ये जो बटन है आपका वाईफाई वाला, इसको, हाँ, इस तरीके से प्रेस करके रखना है, तो ये वाईफाई बिलिंग करेगा। वाईफाई बिलिंग करने के बाद आपको ये फोन में आना है, फोन में यहाँ पे प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपको करना है वॉशर, ठीक है।
ये पूछ रहा है टॉप लोड या फ्रंट लोड है, तो फ्रंट लोड है आपका। इसके बाद ये पूछ रहा है इसका टच डिस्प्ले है, नहीं है अपना, ठीक है ये वाला है, यस। तो प्लीज वेट देगा थोड़ा वो, ये देखिए, हेलो अब देखिए ये आने लगा। ठीक है ये आ गया, इसको इस तरीके से प्रेस करना है। अब देखिए ये आपका ब्लिंक होना बंद हो गया, मतलब कि आपका कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें इसको इस तरीके से, तो ये क्या हो गया आपका रिमोट स्टार्ट ऑन, ठीक है। अब यहां से आप कहोगे स्टैंड बाय, देखो ये ऑप्शन देने लगा, ये आपका खुल गया। अब जैसे कि आपने कपड़े इसमें डाली दिए, ठीक है ये खोलते हैं और इसमें सर्फ डालते हैं, ठीक है ये डाल दिया। अब इसके बाद देखिए यहीं से आप कर सकते हो, ये देखिए सर्फ डालने के बाद अब यहाँ वॉश होता रहेगा, ज्यादा गंदी है तो आप टर्बो वॉश कर सकते हैं, बाकी यहीं से इस तरीके से स्टार्ट। अब इसमें ये देखिए मशीन आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है।